नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राजीव सोनिया पटेक्स एट द ग्रेट में। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कुंदरू की भुजिया। तो हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो चलते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट करने, कुंदरू की भुजिया। तो फ्रेंड्स, ये हमने कुंदरू वॉश कर ली है, ये हमारे आज हम कुंदरू की भुजिया बनाएंगे। तो सबसे पहले ये डंठल दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा सा हम सबके ऐसे कट कर लेंगे, और फिर इसको बीच में से इसके हम चार टुकड़े करेंगे। ऐसे हम चार टुकड़े करके सारे कुंदरू को कट कर लेंगे। और इसके लिए हमें चाहिए दो प्याज। तो हम अपने कुंदरुओं को कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने कढ़ाई रख दी थी गैस पे, और हमारा तेल भी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे जीरा, प्याज, प्याज को थोड़ा लाइट ब्राउन भूनना है। हमारी प्याज हो गई है, अब इसमें डालेंगे कुंदरू। नमक स्वाद अनुसार, अब इसे मिक्स कर देंगे। इसे हम ढक देंगे। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम रखना है। इसमें पानी नहीं डालना है, हम भुजिया बना रहे हैं ना, तो इसलिए इसमें पानी नहीं डालेगा। और इसे हमें जब तक पकाना है ढककर, तब तक कि हमारे कुंदरू थोड़े से सॉफ्ट ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, हमारी सब्जी को 5 मिनट और बीच बीच में चलाते रहिएगा। मैं आप देखिए, ये आसानी से कट हो गया है। हमारे कुंदरू जो है वो सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हमें अपनी गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है, और इसे हमें ढकना नहीं है, हम इसे अब खुला ही पकाएंगे। अभी हम इसमें मसाला बाद में डालेंगे, इतने से खुला ही पकाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे हमें चलाते रहना है बीच बीच में। इसे हम कुरकुरा मीन्स इसे ब्राउन करेंगे। तो ब्राउन होने तक हमें कुंदरू को खुले ही पकाना है, इसे ढकना नहीं है, ऐसे ही पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे कुंदरू बन के रेडी हैं। अभी रेडी तो नहीं है, तो जितना हमें चाहिए था ब्राउन, उतना ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। तो ये इसमें हम डालने वाले हैं हम हल्दी, धनिया पाउडर और मिर्ची का मसाला। आप अपने हिसाब से डालिएगा। इसे हम मिक्स कर देंगे।
अब इसको हम थोड़ी देर पकने देंगे कि हमारा मसाला पक जाए। तो फ्रेंड्स, हमारे कुंदरू बनके रेडी है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी सब्जी रेडी हो चुकी है खाने के लिए, और हमारी रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।